नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। महीन से चुनाव लड़ेंगे अमित ठाकरे। दिल्ली स्थित जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली प्रोग्राम के दौरान हुआ हंगामा, साथ में जमकर हुई नारेबाजी। संजय राउत बोले, सीट बंटवारे पर अब कोई बैठक नहीं होगी, हम अंतिम नतीजे पर पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगी अपना नामांकन। कनाडा ने चीन से स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर लगाया 25% टैरिफ। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस 104 तो 88 सीटों पर लड़ेगी। एनसीपी उद्धव गुट को 96 सीटें मिले। झारखंड चुनाव में जेएमएम ने जारी की पहली सूची। बरहेट सीट से लड़ेंगे हेमंत सोरेन। लखनऊ के एमआई बिल्डर पर इनकम टैक्स की छापेमारी, 16 ठिकानों पर पड़ी रेड। बेंगलुरु में इमारत ढहने से 5 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।